नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी स्टडी पर। मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो एसएससी का फेवरेट है। जी हाँ, सेंसस 2011 यानी जनगणना। यहां से हमेशा एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है और अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं और मैंने मेंशन भी कर दिया है कि कौन कौन से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और मैं एकदम डीप में आपको बताने वाला हूं क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही इस वीडियो को क्रिएट किया है। काफी सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ नए जुड़े होंगे तो मैं उन्हें बता दूं कि एसएससी ने डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीए हो, इन सारे एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन जीके से पूछे हैं उन सभी को मैं टॉपिक वाइज फॉर्म में कवर कर रहा हूँ और उसी जीके सीरीज का ये एक पार्ट है सेंसस 2011। तो जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना टीसीएस ने उन सबको कंपाइल करके मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं सारी इंफॉर्मेशन के साथ में, यानी फुल डिटेल वीडियो होने वाला है। कोशिश करूंगा वीडियो को ज्यादा लंबा ना करूं। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कोई पॉइंट आप स्किप करें और पता चला क्वेश्चन वहीं से बन गया। तो देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो किसका है? वो संघ सरकार का है और ये जो विषय है ना जनगणना का, ये सातवीं अनुसूची में अंकित है तो याद रखिएगा, और सेवेंथ शेड्यूल में अंकित है। मतलब सातवीं अनुसूची में तीन तरह की सूचियां दी हैं। एक होती है संघ सूची, यानी केंद्र के विषय आते हैं, एक होती है राज्य सूची, राज्य के विषय आते हैं, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो जनगणना का जो विषय है ना वो संघ सूची का पार्ट है। तो ये थोड़ा सा हम पॉलिटी वाले सेक्शन में जा रहे हैं बट हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हम फोकस करने वाले हैं सेंसस 2011 पर। बट आप इतना जरूर याद रखिएगा कि ये सेवेंथ शेड्यूल का पार्ट है। और जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बन चुका है, इसको याद रखिएगा। जो जनगणना है वो क्या? गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी जनगणना संगठन। 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। देखिए, जनगणना की जो शुरुआत हुई थी ना, दरअसल ये हुई थी सन 1872 में और ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। लॉर्ड मेयो का नाम भी पूछा गया और किस सन में हुई थी ये भी याद रखिएगा, 1872 में। बट ये कंप्लीट जनगणना नहीं थी, एक रेगुलर जनगणना नहीं थी। अब रेगुलर से क्या मतलब है? अब आपको पता है ना जनगणना कितने साल में होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो रेगुलर यानी कि नियमित जनगणना की जो शुरुआत है ये सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुई थी? सन 1881 में। तो कंफ्यूज ना होइएगा, शुरुआत 1872 से लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी लेकिन जो नियमित जनगणना की शुरुआत थी वो 1881 से रिपन के कार्यकाल से हुई थी। दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसी तरह से अगर ये जोड़ा जाए 1881 से तो ये 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। तो अगर इसको स्वतंत्र भारत की जनगणना देखेंगे 2011 की जनगणना से कंपेयर करेंगे 1951 की जनगणना से, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली। ठीक है, सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1951 में पहली जनगणना हुई थी और तब से 2011 की जनगणना को अगर काउंट करेंगे तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और ओवरऑल कैसी थी? 15वीं जनगणना थी। पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अच्छा, 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, उस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी की देखरेख में जनगणना हुई थी। और 2011 की जब जनगणना हुई थी तो वो किसकी देखरेख में हुई थी? तो उस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? वो थे सी चंद्र मौली। कौन थे? सी चंद्र मौली। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा सर 2011 का बता दिया तो 24 का भी बता दो। तो 2024 में जनगणना आयुक्त कौन है? तो एम के नारायण। कौन है? एम के नारायण यानी मृत्युंजय कुमार नारायण। अच्छा, लास्ट टाइम जनगणना 2011 में हुई थी। सर आप बोल रहे हैं कि 10 वर्ष के अंतराल पे होती है तो उस हिसाब से तो 2021 में हो जानी चाहिए थी जनगणना, लेकिन नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोविड-19। 24 में भी होने के आसार तो दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिलहाल उम्मीद करो कि 2025 से कुछ प्रोसीजर इसका स्टार्ट हो। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स पूछे हैं टीसीएस ने। मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखिए, एक ये प्रश्न पूछा एसएससी ने कि 1921 को क्या बोलते हैं, इसको विभाजक वर्ष घोषित किया गया। तो सीधा सीधा पूछते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसमें बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला जाता है, 1921 को बोला जाता है। दरअसल हुआ ये था 1911 से लेकर के 21 के बीच की जो जनसंख्या थी, वैसे आप जनसंख्या क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन 1911 से 21 के बीच में थोड़ी जनसंख्या क्या हो गई, वो घट गई थी। क्या हो गई थी, घट गई थी। और दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी, -0.31%। इसीलिए 1921 को विभाजक वर्ष घोषित किया गया था। हाँ, 1921 के बाद जनसंख्या कभी घटी नहीं। 1921 से 51 तक जो था वो मतलब ग्रोथ रेट्स मतलब था, मतलब बहुत ज्यादा घट बढ़ नहीं रही थी, लेकिन 1961 से 71 के बीच में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। यानी 1961 से 71 का जो दशकीय वृद्धि दर था ये मैक्सिमम था। तो ये आपको याद रखना है, 1921 वाला ईयर याद रखना है और 61 से 71 वाला ईयर आपको याद रखना है। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हिंदी में विभाजक वर्ष बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी, सबको पता है। अब आपको पता है कि 121 करोड़ तो तब थी 2011 में, और अभी हम जी रहे हैं 2024 में, सोचो कितनी जनसंख्या होगी। वैसे मोदी जी तो बोलते हैं 140 करोड़ जनसंख्या, क्यों, क्योंकि बोलते हैं ना मैं अपने 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित करता हूं, है ना, तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ एक आंकड़ा है, जनसंख्या जब निकल करके आएगी मतलब सेंसस के बाद तब पता चलेगा एग्जैक्टली जनसंख्या कितनी है। लेकिन इतनी तो हो चुकी है कि हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि आंकड़ों से यह पता चला है कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। और पूरे भारत में, यानी अपने भारत देश में, पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 17.5% जनसंख्या, यानी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, पूरी ओवरऑल दुनिया की, मतलब पूरी ओवरऑल वर्ल्ड की जो टोटल जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में ही निवास करती है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, बात कर लेते हैं वार्षिक वृद्धि दर की। उससे पहले बात करना होगा हमें दशकीय वृद्धि दर का। देखिए, 2001 से लेकर के जो 2011 के बीच में जो 10 वर्ष का टाइम था उसमें वृद्धि दर कितनी रही थी, यानी कितना परसेंटेज बढ़ा था, तो वो था 17.7%। यानी डिकेडल ग्रोथ कितनी थी, वो थी 17.7%। ध्यान रहे, ये डिकेडल ग्रोथ की बात करो, ये 17.5% है वो पूरे दुनिया की, कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है वो 17.5 है। लेकिन अगर 2011 से 1 से 2011 के बीच का जो दशकीय वृद्धि दर है वो पूछा जाए कितना है, तो आप बताएंगे 17.7%। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आपको होना नहीं है। लेकिन अगर वार्षिक वृद्धि दर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1.64%। जी हाँ, ये सारे आंकड़ों का ही खेल है और आपको आंकड़े ही याद रखने होते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऐसी तो होता था ना स्लोगन, ऐसे ही बोला जाता था जब ये जनगणना हुई थी, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका क्या था, आदर्श वाक्य था। ये भी एग्जाम में आ चुका है, थीसिस ने पूछा है। वर्ष 2001 से 11 की कुल दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, अभी तो मैंने आपको बताया था 17.7%, याद रखिएगा एग्जाम में आया हुआ है। वर्ष 2011 में नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक हो गई थी। यानी आप देखेंगे ना, हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ जानी चाहिए, लेकिन नागालैंड में अनफॉर्चुनेटली जनसंख्या घट गई थी, तो इसका जो दशकीय वृद्धि दर जो था वो ऋणात्मक चला गया था, माइनस नेगेटिव चला गया था। तो कितना था, ये था -0.6%। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये था -0.58%, लेकिन एग्जाम में आपको -0.6% ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप राउंड करेंगे ना तो ये हटेगा, तो यहां पे एक जुड़ जाएगा, तो गणित का नियम है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है हल्के मत लीजिएगा, मैंने टीसीएस लिख रखा है, अपने मन से लिख दिया होगा सर ने, ऐसा नहीं है भाई, उठा के देखो प्रीवियस ईयर। अच्छा, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ये 382 था, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे उसका पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। लेकिन अगर 2000
एक में देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हुआ करता था, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2024 में तो भाई सोच लो, मुझे तो लगता है 500 के भी आंकड़ा क्रॉस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेस्ट बुक हमेशा रिकमेंड किया है, लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आज आप कोई भी पास मत परचेस करना। अब आप कहोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, जी हाँ सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आज है 12 तारीख, 12 अगस्त, 13 अगस्त की मिडनाइट से एक बहुत बड़ी बिगेस्ट सेल स्टार्ट होने वाली है, आजाद सपनों का पास, ये सेल स्टार्ट होगी। इसमें आपको कुछ बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है टेस्ट बुक की तरफ से, आपको लेना है। जेन्युइनली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक नहीं लिया है तो आप पास लेना चाह रहे हैं पास प्रो, तो आप 14 अगस्त को खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास के प्राइसेस भी कम होंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा, यानी प्राइसेस कम होंगे और प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन ये सारी चीजों का लाभ आप उठा पाएंगे मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करके, जो कि है ट्रिक TRICK, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे देता हूं। अगर आप इस वीडियो को 14 अगस्त को देख रहे हैं या 15 अगस्त को देख रहे हैं तो आप इसको जरूर परचेस करें, क्योंकि आप यहां पर एक बड़ा एडवांटेज यहां पर ले पाएंगे। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड याद रखिएगा ट्रिक। अब आप देखते हैं कुल साक्षरता दर, अब हम थोड़ा लिटरेसी रेट की बात करेंगे, तो कुल साक्षरता दर अगर देखा जाए, ओवरऑल भारत की साक्षरता दर कितनी रही थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ये थी 74.04%। याद रखिएगा आंकड़ों का खेल है, मैं फिर बोलूंगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। और 2001 में जो साक्षरता दर थी वो थी 64.83%, 64 से सीधा 74 हो रही, अप्रोक्स 10% का ग्रोथ आ रहा है लिटरेसी रेट में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा पुरुष साक्षरता दर यानी मेल का लिटरेसी रेट देखा जाए 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये है 82.14%, इसको याद रखना है, दिमाग में बिठाओ 82.14%। और फीमेल का देखा जाए तो 65.46%, ये सारे आंकड़े पूछे। पूर्ण साक्षर राज्य किस राज्य को घोषित किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो केरल को घोषित किया गया, बिकॉज सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, केरल का, कितना है 94% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो केरल का है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो आप बताएंगे लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और यहीं का क्या साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। अब सबसे छोटा है तो सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या है तो यहां पर सरकार ज्यादा ध्यान दे पाती है, तो क्या होता है यहां का लिटरेसी रेट बढ़ गया, यानी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस केंद्र शासित प्रदेश का, लक्षद्वीप का है। अच्छा सेकेंड नंबर पे कौन सा राज्य है जिसका लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो केरल के बाद मिजोरम का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि सेकेंड नंबर पे आता। अब सेकेंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड से भी क्वेश्चन पूछता है, जरूरी नहीं है कि पूछ लेगा कि केरल का लिटरेसी रेट कितना है या सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, वो पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा आपको, 1, 2, 3, 4, और पूछ लेगा बताओ चारों में किसका लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, बट ऑप्शन में केरल नहीं दिया होगा, उसमें मिजोरम दिया होगा, तो आप मिजोरम को टिक मारेंगे, बाकी तीन आपके सही नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन टीचर्स देता है, मतलब थोड़ा सा होशियारी करता है आप लोगों से, लेकिन आप उससे ज्यादा होशियार हैं, इसलिए आप पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाएंगे। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है, बिहार से ज्यादा अरुणाचल प्रदेश का है, उससे ज्यादा राजस्थान का है, लेकिन ये एकदम लोएस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश से पूछा गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन दे देगा, लिखेगा निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है, उसमें बिहार ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तो अब सही कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, अभी तो मैंने आपको बताया लक्षद्वीप, लेकिन है कितना 91.85%, ये आपको परसेंटेज याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बट लक्षद्वीप का नाम आपको याद रखना ईजी है भाई, सबसे कम जनसंख्या, सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज्यादा क्या होगा लिटरेसी रेट होगा, सिंपल सी बात है, कहते ना छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे कम होंगे तो एजुकेशन अच्छी होगी, वही हाल यहाँ लक्षद्वीप में है। न्यूनतम साक्षरता वाला यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली, यानी यहाँ की जो साक्षरता दर है वो बहुत ही कम है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, यानी मोस्ट टू लिटरेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये सेरछिप का है, जो कि मिजोरम का एक जिला, और आपको पता है लिटरेसी रेट के मामले में मिजोरम जो है सेकेंड नंबर पे आ जाता है, तो यहीं का जो जिला सेरछिप है ना, ये सबसे ज्यादा साक्षर जिला
है। अब हम बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड लिंगानुपात, वृद्धि दर, है ना, लिटरेसी रेट, ये सब कुछ यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ का अगर आप, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, सारे ही बार बार पूछे गए, तो मैंने इनको एक जगह कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाया। ध्यान से देखिएगा, अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है, 945। सब 2011 की जनगणना के आधार पर बोला जा रहा है। वैसे यूजली लिंगानुपात, इसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो बोलते हैं, वैसे है कितना, 943 है। लिंगानुपात है कितना भारत का 2011 की जनगणना के आधार पर, 943 है। लेकिन अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या का लिंगानुपात पूछा जाए तो आप बताएंगे 945, 43 ना बता दीजिए गलती से। और अनुसूचित जाति जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो यह है 20.8%। जी हां, एग्जाम में प्रश्न पड़ा है। वैसे हमारा है कितना ओवरऑल, 17.7% है हमारा दशकीय वृद्धि दर। लेकिन अगर अनुसूचित जाति जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर पूछा जाए तो आप बताएंगे 20.8%। कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी ओवरऑल देश के कितने प्रतिशत जो है वो एससी पॉपुलेशन है, तो ओवरऑल देश का 16.6% जनसंख्या एससी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या है। याद रखिएगा यह आंकड़ा भी पूछा गया है। और कुल अगर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाए तो 8.6%। देख रहे हैं, इसका हाफ कर दो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसका 2 8, ये सेम का सेम रहेगा, तो ऐसे आप याद रख पाओगे। और अगर पूछ ले जाए अनुसूचित जाति जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, तो ये 990, ठीक है, क्या है, 990। अब इसको देख रहे, 45 दूना 90, मतलब आंकड़े कितने मिलते जुलते हैं, बड़े सटीक से बैठे हैं। एक बार ध्यान से पढ़ लो, याद हो जाएगा। कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत यानी ओवरऑल जितनी भी जनसंख्या रहती है देश के अंदर, उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या शहरी जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन है, तो 31.2% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। और अगर रूरल पॉपुलेशन, अब इसमें 100 में से 31.2 घटा दो भैया, सीधी सी बात है, 68.89% बचेगा, ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट वाला हो गया, याद रखेंगे। अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य, आपको पता है भैया, बच्चा भी बता दे कि भारत का किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश। लेकिन सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है, फोर्थ नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। अब क्योंकि सर चारों याद रखने, तो मैं कहूंगा भाई हाँ, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको चारों याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर महाराष्ट्र से पूछा गया कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं दिया था, तो महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है। तो याद रखेंगे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, सीधी सी बात है, एक दो बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके पीडीएफ में ना आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रिकी स्टडी, सर्च कर लो भाई टेलीग्राम पे, आप सब तो यूज करते हो, और नहीं सर्च करने का मन है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया होगा टेलीग्राम पे, क्लिक करिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, प्लस वहां पर क्विज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, जीके की भी और इंग्लिश की भी, वो कैप की वहां पर क्विज आपको मिल जाएगी। अब आप ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना बना के क्विज की फॉर्म में आपको वहां प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप भाई छोटा है, जनसंख्या सबसे कम है। लेकिन अगर स्टेट्स की बात करेंगे, ध्यान रहे मैंने इसको अपना मेंशन इसलिए किया क्योंकि लक्षद्वीप की सबसे कम है कंपेयर करा जाए सिक्किम से भी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर राज्य लिख के यूनियन टेरिटरी दे देते हो, ऐसा नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ हूँ, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। लेकिन सिक्किम से भी इसकी कम जनसंख्या है, तो अगर सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो आप लक्षद्वीप बताएंगे, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो आप सिक्किम बताएंगे, क्योंकि टीसीएस ने सिक्किम का नाम पूछा है। अब सिक्किम में ही कम है, देखो कम खुद ही बोल रहा है कि मेरी राज्य की जनसंख्या कम है, सिक्किम, तो देखो कम लास्ट में ही आ रहा है। इस तरह से आपको याद हो चुका है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम की है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी ये सब ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये ठाणे है, जो कि महाराष्ट्र में है। क्या है, ठाणे नाम का जिला महाराष्ट्र में, यहाँ की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है बट पढ़ लो, एग्जाम में आ जाए कहीं तो। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य
ये है महाराष्ट्र, यानी सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य की बात करें, यानी सबसे ज्यादा डिजिटल ग्रोथ किस राज्य की रही? तो ये रही मेघालय की, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है मेघालय का नाम। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किस राज्य की रही है? तो वो रही है मेघालय की, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर बिहार आता है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें, वो तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, सबसे टॉप पे बताया था। ये किसकी है? नागालैंड की, क्योंकि ये प्लस की बजाय निगेटिव चली गई थी भाई साहब, नीचे की तरफ चली गई थी, यानी नागालैंड की जनसंख्या कम हो गई थी 2001 से लेकर के 2011 के बीच में। फिर केरल आता है, फिर गोवा आता है, लेकिन ये वाला आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट नागालैंड आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न बनता ही बनता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो पता ही, अभी बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है राज्यों के अकॉर्डिंग, कितनी है? 1106 है। सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, थर्ड नंबर पे केरल आता है, बट यहाँ पर आपको बिहार को याद रखना जरूरी है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र अगर बात कर ले, देखो राज्य पूछेगा तो बिहार है, लेकिन अगर क्षेत्र लिख देना तो दिल्ली है, क्योंकि बिहार का कितना है? 1106, इसका 10 गुना कर दो ना, तब जाके दिल्ली के बनता है। तो दिल्ली में 11,297 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सोचो भाई, सोच के भी मतलब दिल्ली में रहने वाले लोगों को इस चीज का भली भांति आभास होता होगा भाई, ठीक है। मैं तो दिल्ली में नहीं रहता तो मैं बता नहीं सकता। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर पता है आपको, एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति निवास करते हैं। दिल्ली में देखो 11,297 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, बिहार में 1106 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितना ह्यूज डिफरेंस है ना भाई। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पे मिजोरम, थर्ड नंबर पे सिक्किम, बट यहां पर आप अरुणाचल प्रदेश को याद रखो, इनको याद रखने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है। लिंगानुपात कितना है? 943 है, मैंने आपको बताया था ना, लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है भारत का? 943 है। कितना? 943 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है, क्योंकि केरल सबसे ज्यादा लिटरेटेड स्टेट है ना, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का? केरल का है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1,084, याद रखिएगा, ये नंबर याद रखने इंपॉर्टेंट है। अभी लिटरेसी रेट होता क्या है? प्रति 1,000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, यानी प्रति 1,000 पुरुषों पर जो फीमेल की संख्या होती है, उसे लिटरेसी रेट कहते हैं। वर्तमान में कितना है भारत का? ये 943 है। अच्छा, केरल की बात करें कितना है? 1,084। फिर तमिलनाडु आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, इसका सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। यहाँ 1,000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 879 है, यानी 879 है। फिर जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, फिर पंजाब है, ठीक है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। ये पुराना वाला सीक्वेंस है, क्योंकि तभी जम्मू कश्मीर राज्य रहा करता था, फिलहाल तो यूनियन टेरिटरी हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? यूनियन टेरिटरी की बात करें, पुदुचेरी का है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, किस यूनियन टेरिटरी का है? दमन और दीव का है। स्टेट्स हमने देख लिया, अब यूटी यूटी भी देख लेते हैं। और लिंगानुपात किस जिले का सबसे ज्यादा? ये माहे का है, ये एग्जाम में आ चुका है। कहाँ का है? माहे जिले का है, जो कि पुडुचेरी का है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दमन है। कौन सा है? दमन है। शिशु लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है, तो इनका जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? 919। ये प्रश्न बन चुका है। 2011 में शिशु लिंगानुपात कितना था? 927 था, लेकिन फिलहाल देखा जाए अभी कितना है, मतलब ये 2001 में, ठीक है, 2011 में कितना है? 919 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा है। देखो यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल लिंगानुपात भी सबसे कम है, यानी हरियाणा में महिलाओं की संख्या काफी कम है भाई साहब। शिशु लिंगानुपात भी कम है, लिंगानुपात भी कम है, सब हरियाणा में कम है। इस तरह से याद रखने में आपको आसानी होगी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यानी सबसे ज्यादा ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखो, मतलब जो रूरल पॉपुलेशन जो है प्रतिशत के अकॉर्डिंग। देखो ओवरऑल अगर मैंने आपको बताया था, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में निवास करती है और शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में निवास करती है, ये मैं बता चुका हूं, बट ये परसेंटेज पूछे ना तो आपको बताना है, सबसे ज्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो ग्रामीण जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, और ये प्रश्न एग्जाम में बना है। अब आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या है,
अंतर ये है कि अगर मान लो, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 लोग रहते हैं, तो इसका 80 या 85 लोग जो है वो शहर में रह रहे होंगे, मतलब गांव, ग्रामीण जनसंख्या है ना, तो ये रूरल एरिया में रह रहे होंगे, बाकी के 15 लोग जो है वो शहर में रह रहे होंगे, यानी अर्बन में रह रहे होंगे। लेकिन यूपी की जो जनसंख्या है वो 100 नहीं है, वो तो भाई 10,000 है, इस हिसाब से मानो तो उसका अलग सिस्टम बन जाता है। लेकिन ये यहाँ का जो मोस्टली जो परसेंटेज है जनसंख्या का, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य की बात करें तो गोवा है, यानी गोवा अब देखो कि छोटा ही है, लेकिन इसकी जो मोस्टली जो जनसंख्या है ना, वो शहरों में ही निवास करती है, गाँवों में बहुत कम लोग ही निवास करते हैं ओवरऑल गोवा की जनसंख्या का। तो ये जो दोनों प्रश्न है ना, ये बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, महाराष्ट्र गोवा में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यूपी और हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज जाते हैं, और फिर गलत मार के आते हैं, फिर कहते हैं भैया किताब में गलत लिखा है, किताब में आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये मुंबई है। क्या है? मुंबई है। किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? पंजाब की है, ये भी एग्जाम में बना है। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करी जाए तो पंजाब है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करी जाए तो मैक्सिमम कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेंसस 2011। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूँ, और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे हर हाल में चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और अपनी स्टडीज को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, और यकीनन उन्हें सक्सेस भी मिलने वाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो निम्नतम है? अब आपको बताना है। पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की सबसे कम है? अब दो यहां पर प्रश्न आपको दूंगा, ये भी बताइएगा किस राज्य की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो दोनों के दोनों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करने हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।